हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं क्या बना रही हूँ, एक कप पानी से बनाएंगे आज राखी के टाइम के लिए एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जो सबको पसंद आएगी। बच्चे भी खुश होकर खाएंगे और अपने भाई के लिए भी। आप घर पर इसी सामान से, घर पर रखे हुए सामान से और ये वाली मिठाई बना सकते हैं। तो चलो, मैंने मिठाई कैसे बनाई है वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी, वीडियो को पूरा देखें। तो मैं किचन में ही हूँ और तो मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें डालूँगी एक कप पानी। एक कप पानी डालने के बाद मैं पानी को उबाल लूँगी। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें कट किए हुए ये काजू और बादाम। और ये पानी से इतनी अच्छी बनती है, आपको महसूस नहीं होगा कि इसमें क्या चीज़ है। तो हमने इसको इसमें डाल देने, थोड़ी 5 मिनट इनको उबालेंगे। और इसमें डालूंगी चीनी 6 से 7 चम्मच। मेरे को इसका अंदाजा है तो मैंने इसमें 6 से 7 चम्मच चीनी के डाल देने हैं। चीनी डाल देंगे, अब हमारा इसमें बॉईल आ गया है, अब इसमें चीनी डाल देंगे। और ये जो मैंने काजू और बादाम डाले इसमें इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो मिठाई में क्रंच आना चाहिए काजू और बादाम का, लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें काजू और बादाम डले हुए हैं। तो एक बार ये मिठाई ज़रूर आप अपने किसी भी त्यौहार पर बनाएं। तो मैं बना रही हूँ एक कप पानी से ये मिठाई। तो बस अब हमारे इसमें बॉईल आ गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी सूखा दूध। मिल्क पाउडर होता है ना, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो मैं डेयरी मिल्क का ले रही हूँ, नेस्केफे आता है, बहुत सारे आते हैं। तो जिसे चाय बनती है वही वाला ये मिल्क पाउडर है। और इसमें मैंने डाला नारियल का जो बुरादा होता है, नारियल को पीस लेते हैं। घर पे आपके पास नारियल हो गोले तो उनको भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने घर पे रखा हुआ है ये, मैंने पीस के रखा हुआ है। मैं कुछ बनाती तो डालती हूँ उसके लिए। तो बस अब हम इसको अच्छे से पेशेंस के साथ इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल डो की फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखो, इसको हमने डो जैसे बना लेना है। ये हमारा गैस को मैंने बंद कर दिया और ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया और गर्म है अभी। अब मैं इसको क्या करूँगी, ठंडा। ये मैंने इसको ठंडा कर लेना, प्लेट में निकाल लूँगी और इसको ठंडा करूँगी। अब ये ठंडा हो रहा है, ठंडा हो गया है तो मैं इसको क्या करूँगी, हल्का सा घी लगाऊंगी और इसको आप गोल में बना सकते हो, लड्डू की सेब में, पेड़े की सेब में, या इसको आप सिलेंडर सेब में। मैं बना रही हूँ आज सिलेंडर सेब में क्योंकि मैं कई बार इसके लड्डू से बना चुकी हूँ, पेड़े भी बना चुकी हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ सिलेंडर सेब में। बाज़ार में ये बहुत महंगी मिलेगी आपको और बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि इसमें खोया नहीं है या दूध नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनती है एक कप पानी से। आप जितना बनाना चाहते हो 2 कप पानी से भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है, आपने जितनी बनानी है। तो फिर मैंने इसको ब्रेड, ये सॉरी, नारियल का जो बुरादा है उसके अंदर मैंने डिप करके इसको अच्छे से कर लिया रोल के ऊपर। और इसके ऊपर एक लगा दूँगी बादाम, काजू, या आपके पास पिस्ता हो तो आप वो भी लगा सकते हो। मेरे पास में आज पिस्ता नहीं है तो मैं नहीं लगा रही, मैं बादाम लगा रही हूँ। आपकी इच्छा है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कि मार्केट की मिठाई नहीं है। किसी को आप बना के दोगे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं करेगा कि ये मिठाई बाहर की नहीं है। बिल्कुल वही स्वाद, वही टेस्ट, सब कुछ वही बनता है। और इतनी टेस्टी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी मिठाई बनी थी। तो ये अपने भाइयों के लिए ज़रूर बनाए रक्षाबंधन पर। और तो ये देखो, मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ।
बहुत टेस्टी मिठाई है खाते का, क्योंकि मैं तो बना चुकी हूँ, इनको कई बार बनाया है तभी मैंने आपके साथ शेयर करी है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, हम गए थे मार्केट, और मार्केट से आने के बाद में हम लाए थे ये मछलियाँ सी बनी हुई थी, हमें अच्छी लगी तो हमने मार्केट से ये ख़रीद ली। तो मैंने सोचा जब मीठा बनाया है थोड़ा नमकीन भी हो जाए, तो मैंने इनको तला और फिर हमने इसको चाय के साथ में किया इंजॉय। तो देखो मैंने कैसे तली है ये, और एकदम फूल गई थी मछली का जो वो है सांचा सा होता होगा उससे बनाते होंगे। तो ये घर पे भी इजी बन सकती है कि इसके सांचे आते हैं, और ये चावल से, सूजी से, साबूदाने से, ये सबसे बन सकती है। तो मुझे लगा अच्छा तो मैं ले आई, और मैं इसको तल के आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैं कैसे तल रही हूँ, और फिर बनाऊँगी चाय। और शाम का टाइम है तो मार्केट गए थे, मार्केट में ये हमें अच्छी लगी तो हमने ख़रीद ली, और ये मैं पहली बार लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको तल के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो ये हमारी जो मछलियाँ हैं ये इस तल के तैयार हो रही हैं। वैसे तो हम प्याज भी नहीं खाते हैं, लेकिन वैसे देखो हमने क्या तला है आज। तो ये चावलों की है, पता नहीं है, बोल तो रहा था भाई ये चावलों की है, पर पता नहीं है हमें किस चीज़ की बनी हुई है। तो हमने इनको ट्राई कराया आज पहली बार, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबरों के साथ में मैं इसको शेयर करूं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। तो ये हमारी सब तल के तैयार, और ये है हमारी मिठाई। तो हम, मैं और शिखा चाय के साथ में इंजॉय करेंगे इसको, तो आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। और हमने इसको भर लिया, और इनको रख दूँगी बच्चों के लिए, बच्चे आएंगे तो फिर मैं बच्चों को दे दूँगी, पर ये सील जाएंगे, टाइम ऐसा है। तो हम इनको इंजॉय करेंगे अपने चाय के साथ। और देखो बहुत अच्छी तल की तैयार हुई है, मौसम ऐसा है फिर भी ये सीली नहीं थी और अच्छी सी बनी हुई है। तो चलो मिलते एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।